हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले मोटो का न्यू फोन के बारे में, जो कि 12 तारीख को लॉन्च होने वाले। उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके डिजाइन के बारे में बात करेंगे और उसमें प्राइस रेंज के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मोटोरोला जो कि G72 न्यू लॉन्च होने वाले इस मंथ के 12 तारीख को, जो कि 12 अक्टूबर को लॉन्च होने वाले, जो कि बहुत ही अच्छा स्मार्ट वॉच फोन है। और तरह उसके कुछ स्पेसिफिकेशन बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं, जो कि OLED डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि 576 हर्ट्ज का जो कि टच सैम्पलिंग रेट, जो कि गेम खेलने में आपको अच्छा लगेगा। और तो इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, इसलिए आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है। और तो इन डिस्प्ले क्वालिटी फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपको बहुत फास्ट खुलता है। और तो इसका जो कि 1300 निट का पीक ब्राइटनेस है, आपको ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इस प्राइस रेंज में 16000 में आपको 1300 निट ब्राइटनेस मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। पीछे के सेटअप के बारे में बात करें तो AI ट्रिपल कैमरा के साथ आता है, जो कि 108 MP का जो कि मेन कैमरा है, और तो 8 MP का अल्ट्रावाइड और 2 MP का डेप्थ सेंसर के सेंसर के साथ आता है। और तो फ्रंट कैमरा के बारे में बात करते, जो कि 16 MP का फ्रंट कैमरा के साथ आता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है पिक्चर क्वालिटी। प्रोसीजर के बारे में बात करते, मीडियाटेक हेलियो G99 जो कि लेटेस्ट प्रोसीजर है, 6 MM का प्रोसीजर है। उसके अंतत स्कोर के बारे में बात करते, 370,000 का अराउंड आता है, जो कि हेलियो G96 से ज़्यादा आता है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है इस प्रोसीजर। और तो ये 5000 mAh का बैटरी के साथ आता है, जो कि 33 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है और बहुत अच्छा है। और तो वाटर रेजिस्टेंस भी है। और इसका लाइट वेट है, सुपर लाइट वेट है, जो कि 165 ग्राम का लाइट वेट है, जो कि बहुत अच्छा कम वेट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको लेना चाहते हो ले सकते हो।